सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस रैंकिंग स्किल्स सीखेंगे और एडवांस रैंकिंग स्किल्स क्या हैं और कैसे बड़े बड़े जो सेलर्स हैं वो कैसे अपने आप को रैंक करते हैं, पहले पेज पे इतनी स्पीड में आ जाते हैं। उसके लिए आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने होंगे। सुपर यूआरएल क्या होता है, कैसे काम करता है, यूआरएल क्या होता है, कैसे काम करता है, और एक्सटर्नल ट्रैफिक कैसे आती है और कौन सी एक्सटर्नल ट्रैफिक आपकी सेहत के लिए अच्छी है और कौन सी एक्सटर्नल ट्रैफिक आपकी सेहत के लिए बुरी है। एक्सटर्नल ट्रैफिक को कैसे हम लाते हैं उसको समझना होगा आपने। इसके अलावा अमेजोन का रिवॉर्ड सिस्टम को आपने समझना होगा। हम लोग इतनी बहस करते हैं दुनिया जहान की कि हमारी रैंकिंग इज ऑल अबाउट सेल्स वेलोसिटी एंड रिव्यूज। ये तो आप लोगों को सबको ही पता है कि सेल्स वेलोसिटी बढ़ा दें, अब वो भले आप आर्टिफिशियली बढ़ाएं या असली तरीके से बढ़ाएं, सेल्स वेलोसिटी आपको रैंक करती है, आपके कीवर्ड को कन्वर्जन रैंक करता है। आपने मेरी पहली वीडियो से सीखा ही होगा कि अमेजोन की रैंकिंग इज ऑल अबाउट कन्वर्जन। कन्वर्जन बढ़ा दें रैंकिंग बढ़ जाएगी, विच इज ट्रू। अच्छा, अब कन्वर्जन के साथ साथ रिव्यूज आपकी रैंकिंग को स्टेबिलिटी लाते हैं, ये हम सबको पता है। रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं करता है कि रिवॉर्ड कैसे करता है। अमेजोन आपको रिवॉर्ड करता है, आपको कहता है मुबारक हो, मैं आपको रिवॉर्ड कर रहा हूं, मैं आपको ये तोहफा दे रहा हूं। वो तोहफा ब्रांड को भी दे सकता है, अमेजॉन सेलर को भी दे सकता है और अमेजॉन आपकी लिस्ट को भी दे सकता है। वो रिवॉर्ड सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है कि रिवॉर्ड सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक अच्छे सेलर हैं और आप हर अमेजॉन के आने वाले एक बायर है, वो आपकी लिस्ट पर आके एक सवाल करता है कि क्या ये प्रोडक्ट ऐसी है। आप उसको जवाब देते हैं जी ये ऐसी है। अमेजॉन आपको कहता है ये तो बहुत अच्छा सेलर है, इसको रिवॉर्ड किया जाए। Amazon आपको बाय बॉक्स की शक्ल में रिवॉर्ड देता है कि आप दूसरे सेलर्स के मुकाबले में ज्यादा प्रोएक्टिव हैं, ज्यादा सवालों के जवाब देते हैं, तो Amazon आपको रिवॉर्ड कर रहा है। इसी तरह ब्रांड की भी रिवॉर्डिंग होती है। आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग चार डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचते हैं, किचन बेच रहे हैं, स्पोर्ट्स का सामान भी बेच रहे हैं और मेडिकल की इक्विपमेंट्स भी बेच रहे हैं और वो चार डिफरेंट ब्रांड्स बना रहे हैं और चार डिफरेंट ब्रांड उनके स्लोली स्लोली ग्रो कर रहे हैं। मेरी नजर में बिल्कुल गलत स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं होना चाहिए, ब्रांड एक होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ब्रांड की भी एक पावर होती है। अमेजॉन जब ये देखता है कि ये ब्रांड, फॉर एग्जाम्पल एडिडास वाले जूता बनाते हैं, हम सबको पता है एडिडास कल एक पानी की बोतल लॉन्च करे और बोले कि जी हमने स्पोर्ट्स एनर्जी ड्रिंक बनानी शुरू कर दी है। आप मुझे एक बात बताइए, अमेजॉन रातों रात इसको रैंकिंग देगा या नहीं देगा? नेचुरली खुद सोचें थोड़ी देर के लिए, जस्ट बिकम अमेजॉन फॉर अ वाइल, और आप सोचेंगे हाँ बिल्कुल देना चाहिए, इट मेक्स सेंस। उसकी वजह यह है कि ब्रांड की भी एक पावर है, ब्रांड की भी एक रेपुटेशन है और अमेजॉन की नजर में ये एक बहुत बड़ा ब्रांड है और इसकी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट के ऊपर इसका स्कोर 4.5 होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ब्रांड को एक पुल मिलता है। तो हम हमेशा एक ब्रांड बनाते हैं, हम 5 ब्रांड्स नहीं बनाते, क्योंकि अमेजॉन ब्रांड को भी रिवॉर्ड करता है और रिवॉर्ड इसी शक्ल में करता है कि आपका ब्रांड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आप उस ब्रांड से जब कोई नई चीज निकालते हैं अमेजॉन उसको रिवॉर्ड करता है। तो आपको रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट समझना है कि सेलर को भी रिवॉर्ड मिलता है, बायर्स को भी रिवॉर्ड मिलता है, ब्रांड्स को भी रिवॉर्ड मिलता है, लिस्टों को भी रिवॉर्ड मिलता है, अमेजॉन रिवॉर्ड देता है। तो अब वो एक्सटर्नल ट्रैफिक का रिवॉर्ड समझना होगा कि एक्सटर्नल ट्रैफिक लाने से अमेज़न कैसे रिवॉर्ड देता है आपको। एक्सटर्नल ट्रैफिक का वजन इस साल अमेज़न ने 18% कर दिया। 18% का मतलब दैट्स अ लॉट ऑफ वेट टू लॉट ऑफ रिवॉर्ड। अब हमारे लिए एक इंसेंटिव है, हम सब दौड़ में लग गए कि अच्छा 18% दौड़ लगाओ, चलो जी रिवॉर्ड, हमें रिवॉर्ड मिलेगा, बाहर से ट्रैफिक ला के दो अमेज़न को। तो अब वो बाहर की ट्रैफिक का भी आप पहले फॉर्मूला समझ लें कि फेसबुक से तो कोई भी ट्रैफिक ले आता है, इंस्टाग्राम से कोई भी ट्रैफिक ले आता है, क्या उस पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलेगा आपको? आप कुछ सोचें थोड़ी देर के लिए। या आपके ब्रांड का नाम है एवरॉक्स और आपने everox.com एक वेबसाइट खड़ी की तो, और everox.com पे आपने मेहनत की, आपने SEO ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाई, हाईली ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनाई आपने और उस वेबसाइट पर ट्रैफिक आनी शुरू हो गई। अब आपके पास दो चॉइसेस हैं। एक जमाना था हम कहते थे अमेजॉन से ट्रैफिक चोरी करो, अमेजॉन की बायर जो हम प्रोडक्ट देते थे उस पर लिखा होता था आइए आइए हमारी वेबसाइट पे, आइए हमारी वेबसाइट से खरीदें, हम आपको 5% डिस्काउंट देंगे, 20% डिस्काउंट देंगे। हम ये समझते थे कि लोग हमारी वेबसाइट पे आके खरीदारी करेंगे, हमारी वेबसाइट पे पैसे आएंगे, हम अमेजॉन से 15% कमीशन के पैसे बचा लेंगे। वो जमाने गए।
आज हम कहते हैं डियर अमेजोन, आप हमारी ट्रैफिक भी ले लीजिए। हमने इतनी मेहनत करके हाईली ऑप्टिमाइज्ड एक वेबसाइट खड़ी की है और हमारे पास ट्रैफिक आ रही है। हम चाहते तो हम इस ट्रैफिक को कन्वर्ट करते और जहां आप हमें दिन के 50 ऑर्डर देते हैं, हमें दिन के 5 ऑर्डर अपनी वेबसाइट से भी आ जाते। हमने कुर्बानी दे दी अपने उन 5 ऑर्डर्स की कि कोई बात नहीं, हमें वो 5 ऑर्डर्स नहीं चाहिए, हम वो 5 ऑर्डर्स भी अमेजोन आपको दे देते हैं। अमेजोन आपको रिवॉर्ड करेगा। अमेजोन कहता है अच्छा, इतनी मेहरबानी है आपकी कि आपने अपनी ट्रैफिक कुर्बान करके वो भी मुझे दे दी, ये ले मैंने आपको रिवॉर्ड किया। और रातों रात आपका ब्रांड, आपकी रैंकिंग शूट अप करती है, ये कहलाता है रिवॉर्ड। अमेजोन कैसे रिवॉर्ड करता है? तो एक्सटर्नल ट्रैफिक के लिए अगर आपने SEO ऑप्टिमाइज, हाईली ऑप्टिमाइज वेबसाइट बनाई है अपनी, तो आप उस वेबसाइट को रैंक कर रहे हैं, कीवर्ड्स आपके गूगल पर रैंक हो रहे हैं, आपकी ट्रैफिक आ रही है और अमेजोन देख रहा है कि एवरोक्स आपके ब्रांड का नाम है और एवरोक्स.com से ट्रैफिक मेरे पास आ रही है। अमेजोन खुद ही समझ जाएगा, आपको अमेजोन को बताने की जरूरत नहीं है, अमेजोन खुद ही समझ जाएगा कि अच्छा, Evrox.com वाले Evrox ब्रांड के ऊपर ट्रैफिक भेज रहे हैं, मींस कि आपने Amazon की प्रोडक्ट URL अपनी वेबसाइट पे डाल दिए हैं। सो इन अदर वर्ड, आपका बायर वेबसाइट पे आपके पेमेंट गेटवे से कुछ नहीं खरीद रहा, आपकी वेबसाइट से कुछ नहीं खरीद रहा, वो क्लिक करता प्रोडक्ट के ऊपर, सीधा Amazon की FBA लिंक पे चला जाता। एंड दैट इज व्हाट यू डूइंग, आप अपने 5 ऑर्डर से कुर्बान कर रहे हैं कि 5 ऑर्डर पोटेंशियली आपको दिन के आ सकते थे, आपने कुर्बानी दे दी और वो ट्रैफिक भी अमेजोन को दे दी और अमेजोन आपको अब रिवॉर्ड करेगा एक्सटर्नल ट्रैफिक का 18% का वेट देके कि 18% आपकी वेट इंक्रीज हुआ। तो अब आप नोट करेंगे कि एकदम बड़े बड़े सेलर्स की वेबसाइट में जाके चेक करेंगे, यू विल बी सरप्राइज्ड कि उनके लिंक सीधे amazon.com पे जा रहे हैं, उनकी FBA की लिस्टिंग पे, उनकी वेबसाइट से अब आप कुछ ऑर्डर कर ही नहीं सकते। तो ये कहलाता है रिवॉर्ड सिस्टम, जो आप लोगों को करना होगा फ्यूचर में, बिकॉज इट्स बिकमिंग वेरी इंपॉर्टेंट नाउ और अमेजोन अब यही चाहता है। क्योंकि आप सबको पता है कि 50% यूनाइटेड स्टेट्स का जो ई कॉमर्स मार्केट का शेयर है वो तो अमेजोन के पास है। ईबे उसके बाद रह गया 7%, उसके बाद रह गया वॉलमार्ट 3.5%, तो फिर गूगल किधर है? गूगल कहाँ खड़ा हुआ है? गूगल कहीं भी नहीं खड़ा हुआ। आपके जहाँ 5 ऑर्डर आने थे वो आप बेशक अमेजोन को ही दे दें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है, आपको ज्यादा बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा, बड़ी स्पीड में रैंकिंग होगी, प्रॉब्लम यू विल बी डूइंग 100 ऑर्डर्स अ डे आफ्टर दैट, Amazon इतना रिवॉर्ड करेगा आपको। ये है एक्सटर्नल ट्रैफिक। अच्छा, अब आ जाइए, सुपर यूआरएल यूज करें या यूआरएल यूज करें? पहले सुपर यूआरएल, यूआरएल का कॉन्सेप्ट समझने की है क्या। बेसिकली URL तो आपका पेज है, आपकी जो प्रोडक्ट है वो URL है, आपकी जो Amazon के जो प्रोडक्ट लिंक है वो URL है, आपने Facebook पे बांटा, लोगों को बताया कि ये मेरी प्रोडक्ट है जाके देख लो, लोगों ने क्लिक किया और सीधा URL के ऊपर आके लैंड हो गए। तो Amazon ने किसी कीवर्ड को इम्प्रूव ही नहीं किया। जब आप URL को प्रोमोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप जाते हैं वेबसाइट है shoutcart.com, अब shoutcart.com एक मार्केट प्लेस है जहां फेसबुक और इंस्टाग्राम के ओनर पहुंचे होते हैं कि आप अपना बैनर हमें दे दो, हमारे पास फॉर एग्जांपल लोग हमारे पास पेट लवर्स हैं, एक किसी का पेज है उस पर 2 मिलियन पेट लवर्स हैं, फैंस हैं, वो कहते हैं कि हम आपका बैनर लगा देंगे अपने पेज के ऊपर, $200 आप दे दें, तो पेट लवर्स हमारे जितने हैं 2 मिलियन फैंस हैं, उसमें बहुत सारे लोग आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लैंड करेंगे। आपने उनको URL दिया अपनी प्रोडक्ट का और वो पेट लवर्स का जो फैन पेज है उससे थाउजेंड्स ऑफ लोग आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर आए, तो क्या किसी ने कोई कीवर्ड टाइप किया? नहीं किया, किसी ने भी कोई कीवर्ड टाइप नहीं किया। तो बेसिकली लोग आए हैं आपकी प्रोडक्ट पेज के ऊपर, इसे कहते हैं URL। और जब लोग प्रोडक्ट पेज पे आते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपकी कन्वर्जन बढ़ती है। तो प्रोडक्ट के URL से कन्वर्जन बढ़ा लें या सुपर URL से कन्वर्जन बढ़ा लें? अच्छा, अब URL से कन्वर्जन बढ़ाने से आपका BSR इंप्रूव होता है, आपका बेस्ट सेलर रैंक इंप्रूव होता है कि Amazon देख रहा अच्छा इतने सारे लोग आ रहे हैं और इतने सारे लोगों ने खरीद भी लिया, लेकिन ये नहीं पता कि किस कीवर्ड पे खरीदा, Amazon को कीवर्ड नहीं पता, बस इतना पता है कि कहीं आए एकदम कुछ हजार लोग आए और उन्होंने डक 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 एकदम प्रोडक्ट खरीदनी शुरू की, ऑलराइट वेरी गुड, लुक्स गुड, बड़ी अच्छी कन्वर्जन है, 10% लोगों ने खरीदा आउट ऑफ 100, 100 विजिटर्स आए थे, 10 ने खरीद लिया, जबरदस्त, रैंक करो, लेकिन किसको रैंक करो? कीवर्ड तो है ही नहीं, किसी ने कीवर्ड टाइप ही नहीं किया, तो किसको रैंक करें? तो बेसिकली आपका BSR इंप्रूव होता है, बेस्ट सेलर रैंक, और जब आपका BSR इंप्रूव होता है तो बहुत सारे कीवर्ड्स को पुल करके ऊपर लेकर आता है।
आपका BSR खुद ब खुद कीवर्ड्स को पुल करता है ऊपर की तरफ। किस कीवर्ड को? हर कीवर्ड को। हर कीवर्ड का वेट बढ़ता है। अब उसमें बड़े कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, उसमें छोटे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। छोटा कीवर्ड होगा, कम कंपेरेटिव होगा, वो एकदम रातों रात पहले पेज पे आ जाएगा। बड़ा कीवर्ड होगा, वो दूसरे पेज पर आ जाएगा। उससे बड़ा कीवर्ड होगा, वो तीसरे पेज पर आ जाएगा। लेकिन एज सच कोई एक सिंगल कीवर्ड इंप्रूव नहीं होता इस टेक्निक्स को यूज करते हुए। ये है आपकी एक्सटर्नल ट्रैफिक। अच्छा, अब एक्सटर्नल ट्रैफिक आप फेसबुक से लाएं या अपनी वेबसाइट से लाएं, आपकी वेबसाइट से आने वाला, आपकी डोमेन नेम से आने वाला ट्रैफिक का वजन सबसे ज्यादा हाई है। उससे BSR रातों रात शूट करता है, स्पीड में शूट करता है और एकदम ऊपर जाता है। और आप नोट करेंगे आपके बहुत सारे कीवर्ड रातों रात ऑप्टिमाइज हो जाएंगे। ये है एक्सटर्नल ट्रैफिक का कमाल। और URL के ऊपर आप उस ट्रैफिक को ला रहे हैं BSR को इंप्रूव करने के लिए। अच्छा, अब आ जाइए सुपर URL। जिन लोगों को याद है मेरी पोस्ट मैंने डाली थी ग्रुप के अंदर, जब मैंने कहा था जोन जंप का सुपर URL काम नहीं कर रहा, उस वक्त नहीं काम कर रहा, आज काम कर रहा होगा, आज नहीं कर रहा होगा तो कल करेगा। तो सुपर URL बेसिकली है क्या? सुपर URL इज लाइक के Amazon को आप बेवकूफ बना रहे हैं ये कह के कि जी मैंने ये कीवर्ड टाइप किया, मैंने फॉर एग्जांपल डॉग बार्किंग किट मैंने टाइप किया Amazon के ऊपर और मैं पांचवें सफ़े पर गया और पांचवें सफ़े पर जाने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को क्लिक किया, तो वो कहलाता है सुपर URL, जो एक कोडेड URL कहलाता है, जिसमें आप Amazon को somehow यू मेक them बिलीव कि बायर ने ये कीवर्ड टाइप किया था, ये कीवर्ड टाइप करने के बाद वो पांचवें सफ़े पर जाके प्रोडक्ट पेज पर पहुंचा था। आप ये सुपर URL, इतना कोडेड और इतना इनक्रिप्टेड किस्म का सुपर URL कौन बना के देता है आपको? ये जो लोग बना के देते हैं वो आपसे चार्ज भी करते हैं, वो कहते हैं हम बना देंगे, हम आपको चार्ज करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हीलियम कहता है मुझसे ले लो, AMG स्काउट या AMG टूल्स वाले कहते हैं मुझसे ले लो, जंपसेंट कहता है मुझसे ले लो, वायरल लॉन्च वाले कहते हैं हम बना देंगे आपको। तो जो भी आपको बना के देगा वो आपको चार्ज कर रहा है, क्योंकि ये एक्सपेंसिव टूल्स हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम खुद बनाएंगे, आप खुद बनाने की कोशिश ना करें, ये मेरी एडवाइस है। उसकी वजह ये है कि आपका बनाया हुआ सुपर URL हो सकता है बहुत जल्द Amazon उसको डीकोड करने में कामयाब हो जाए और उसको बैन कर दे या उसको पेनलाइज कर दे, या उसको बोले कि ये सुपर URL जो है ये हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे अब। तो जोन जंप जो है, ये जो लॉन्च पैड्स होते हैं, ये लोग कैसे कीवर्ड को रैंक करते हैं? तो बेसिकली ये लोग सुपर URL बनाते हैं, और बड़ा कोडेड URL होता है जिसको Amazon कभी कभी डिकोड भी कर लेता है, हैक डी हैक भी कर लेता है, और उसकी वजह से उस सुपर URL को बैन कर देता है। उसकी वजह से आपका वो कीवर्ड रैंक होना बंद हो जाता है और आपके कूपन जाया होने शुरू हो जाते हैं। तो अब जोन जंप वालों का सुपर URL Amazon ने डिकोड कर लिया, Amazon ने फिगर आउट कर लिया, उसको बैन कर दिया, जिसकी वजह से जोन जंप पे इतने स्टूडेंट्स लोग लगे हुए हैं, कूपन पे कूपन बांटे जा रहे हैं, कीवर्ड नहीं रैंक हो रहा, इंप्रूव हो रहा। लेकिन आप एक चीज नोट करेंगे कि BSR इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि BSR जो है वो कन्वर्जन इंप्रूवमेंट का रिजल्ट है और BSR रिवॉर्ड का भी रिजल्ट है। बेसिकली BSR की इंप्रूवमेंट के पीछे कितने सारे फैक्टर हैं? सेल्स वेलोसिटी इज वन फैक्टर, कि आपकी सेल्स वेलोसिटी एकदम कन्वर्जन हाई हुई, Amazon ने कहा मुबारक हो BSR इंप्रूव हो गया आपका। नंबर टू, आपकी रिव्यूज की स्टेबिलिटी, कितनी स्पीड में किस तरीके से आपके रिव्यूज आ रहे हैं। और नंबर थ्री, रिवॉर्ड, आपको रिवॉर्ड मिल रहा है या नहीं मिल रहा। रिवॉर्ड किन बातों से मिल रहा है वो मैंने आपको एक बिल्कुल एक आइडिया दिया, आइडिया बहुत सारे हैं, इनफैक्ट रिवॉर्ड लेने के बड़े तरीके हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बेसिक सा तरीका बता रहा हूँ रिवॉर्ड लेने का। तो अच्छा, तो अब हमने कहा चलो हम सुपर URL बना लेते हैं, हमने किसी एक टूल को यूज करके एक सुपर URL बनाने के बाद हमने फेसबुक वालों को कहा कि बैनर को इस सुपर URL पे भेजो, तो एकदम हजार लोग सुपर URL को करके आपकी प्रोडक्ट पे लैंड हुए और Amazon की नजर में हर शख्स एक कीवर्ड टाइप करके आ रहा है और वो कीवर्ड है बार्किंग कॉलर। कुत्तों का एक बार्किंग कॉलर आता है जिससे वो बार्किंग करना बंद कर देते हैं, लेट्स से एक एग्जांपल है, वो बार्किंग कॉलर है। Amazon ने कहा अच्छा, ये हजार लोग बार्किंग कॉलर टाइप करके Amazon पर आए और फिर उन्होंने पांचवें सफ़े पे जाके इस प्रोडक्ट पे क्लिक किया, ठीक है इस कीवर्ड का रैंक बढ़ा दो। तो सुपर URL को यूज करने से आपका कीवर्ड रैंक करता है, URL को यूज करने से आपका BSR इंप्रूव होता है। फायदा आपको दोनों तरफ ही हो रहा है।
सिर्फ फर्क इतना है कि सुपर यूआरएल कब यूज करना चाहिए और फिर यूआरएल कब यूज करना चाहिए, बस अब हमने यही स्टडी करना है। तो सुपर यूआरएल मेरी एडवाइस है, आप उस वक्त यूज करें जब आपका कीवर्ड बहुत बड़ा हो, आपका कीवर्ड इतना बड़ा हो कि आप बोलेंगे इस कीवर्ड पे इन्वेस्टमेंट करना जायज है। 3.5 लाख का सर्च वॉल्यूम है मर्चेंट वर्ड के मुताबिक, आपने कहा बहुत बड़ा कीवर्ड है, लगा दो सारे पैसे इसके ऊपर, आपने 200 कूपन उसी कीवर्ड पे लगा दिए। अब वो 200 कूपन पे आपको लॉस हो रहा है, प्रोबेबली हर कूपन के ऊपर आपको $6 का, $7 का, $8 का, $10 का, जो भी आपकी प्रोडक्ट है, आई डोंट नो आपकी क्या प्रोडक्ट है, आप क्या बेच रहे हैं और कितना लॉस आपको बर्दाश्त करना पड़ा है लॉन्च पैड के ऊपर। लेकिन सुपर यूआरएल पे इन्वेस्टमेंट हम उस वक्त करते हैं जब कीवर्ड बहुत बड़ा होता है, अदरवाइज हम सुपर यूआरएल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते। अगर हमारे कीवर्ड छोटे छोटे हैं और बहुत सारे हैं, हम कह रहे हैं ये प्रोडक्ट है 5 कीवर्ड है, हर कीवर्ड 50,000 सर्च वॉल्यूम का है, अब मैं किस किस पे पैसे लगाऊं, किस को रैंक करूं, तो ठीक है, बेहतर है फिर आप अपने बीएसआर पे फोकस करें, आप कीवर्ड रैंकिंग को छोड़ दीजिए, सिर्फ बीएसआर इंप्रूव कर लें, आपके सारे कीवर्ड इंप्रूव हो जाएंगे। अब बीएसआर इंप्रूवमेंट के लिए आपने बहुत सारे काम किए, अब पीपीसी आपको क्लियर कर दिया मैंने कि पीपीसी का वजन खत्म हो गया, पीपीसी अब आपकी रैंकिंग वो नहीं करेगा जो माजी में हुआ करती थी, पीपीसी का वेट हो गया, बहुत कम हो गया, पीपीसी से रैंकिंग होगी इंप्रूव लेकिन ज्यादा नहीं होगी। तो आपने पीपीसी भी कर ली, उधर से आपने रिव्यूज भी ले आए, उधर से आपने कमेंट्स डालने शुरू कर दिए, उधर से आपने लोगों को हायर किया कि मेरी प्रोडक्ट का कीवर्ड टाइप करके इस पर कमेंट्स डालो, 5वें सफ़े पर आओ, क्लिक करो, कमेंट डालो, विश लिस्ट डालनी शुरू कर दी आपने, उधर से आपने लॉन्च पैड के ऊपर जाके कन्वर्जन बढ़ा दी, आपने कन्वर्जन बढ़ा दी, अब वो कन्वर्जन सुपर यूआरएल से बढ़ाई है यूआरएल से बढ़ाई, ये अब आपकी चॉइस है। वायरल लॉन्च आपका कीवर्ड इंप्रूव नहीं कर पा रहा, जोन जब नहीं इंप्रूव कर पा रहा, आपका कीवर्ड नहीं इंप्रूव हो रहा, सुपर यूआरएल अमेज़न ने डीकोड कर दिया, कोई बात नहीं, बीएसआर इंप्रूव हो रहा है, इट्स ऑल राइट, बीएसआर ही इंप्रूव होने दें। कीवर्ड रैंकिंग रातों रात हो जाती है, 7 दिन में, 8 दिन में, 10 दिन में हो जाती है, जबकि बीएसआर स्लो मूविंग प्रोसेस है और वो कुछ हफ्तों में होता है, प्रॉबेबली 1 महीना शायद लग जाए आपको बीएसआर इंप्रूव करते करते, यही होगा ना ज्यादा से ज्यादा। अच्छा, फिर उधर से आपने अपनी वेबसाइट खड़ी की, अपने डोमेन उसी ब्रांड नेम का डोमेन नेम खड़ा किया आपने, उसके ऊपर जल्दी से साइट खड़ी की, उसके ऊपर आपने अपना प्रोडक्ट यूआरएल लगा दिया, उसके ऊपर आपने कीवर्ड इंप्रूवमेंट गूगल के ऊपर करने शुरू किए, आपने हाईली ऑप्टिमाइज एसईओ करके अपना गूगल के ऊपर रैंक करके अपनी ट्रैफिक वहां चला, भले वो ट्रैफिक कम हो लेकिन वेट इतना ज्यादा, आप वेट सोच रहे हो 18% का वेट है उसका, ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि 5वां हिस्सा बनता है आपकी ट्रैफिक का। तो अब वो भले 200 लोग विजिट कर रहे हो और अगर वहां से राइट ट्रैफिक आ रही है गूगल से और वो अमेजोन के पेज के ऊपर लैंड कर रही है और उन्होंने कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, तो आपका बीएसआर रातों रात शूट करेगा। ये है सारी आपकी एडवांस रैंकिंग की कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं बता रहा हूँ आपको, टेक्निक्स तो बहुत ज्यादा हैं जो हम लोग यूज करते हैं, लेकिन ये कुछ बेसिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए कि 2018 से अब क्या काम करेगा और क्या नहीं काम करेगा। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, सुपर यूआरएल कहाँ यूज करना है, यूआरएल किधर यूज करना है, एक्सटर्नल ट्रैफिक कौन सी ज्यादा वेट वाली है, आपके ब्रांड नेम की ट्रैफिक कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी 2018 से ऑनवर्ड के अंदर। तो इसके अलावा अगर आप लोगों के सवाल हों तो बेशक आप ग्रुप में पोस्ट करें, ग्रुप में आप लोग, ग्रुप में तो मैं एक्टिवली जवाब दे रहा हूँ, तो ग्रुप में आप लोग पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। थैंक यू।